सोलन में होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। सभी व्यवसायियों को आस थी कि ग्राहक आएंगे और उनका व्यवसाय पहले की तरह चल पड़ेगा, लेकिन सभी को पहले ही दिन बहुत ज़्यादा हताशा हाथ लगी। ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटल खाली दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोलन वासियों के दिलों में कोरोना का डर बेहद बैठ चुका है, जिसकी वजह से वे बाहर खाना तो दूर अपने घरों से भी बेहद कम निकल रहे हैं, जिसके चलते होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायी बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह शहर वासियों के दिलों से कोरोना का डर निकालने के लिए कुछ प्रयास करे, अन्यथा उनका व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों अमित प्रताप और तुषार मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वे बेहद खर्चीले हैं, जिसके चलते प्रति कर्मचारी उन्हें 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक नहीं है। अगर यही हालत रही तो वे व्यवसाय को घाटा सहकर ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाएंगे, इसलिए वे प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि उनके व्यवसाय को चलाने के लिए कोई योजना बनाए और उन्हें राहत प्रदान करे, अन्यथा उन्हें अपने व्यवसायिक संस्थान बंद करने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि होटल व्यवसाय को उठाने के लिए कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान करे या रूम के किराए को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे, तभी उनका व्यवसाय चल पाएगा। तो अभी तक तो इसमें कोई ऐसा खास रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कस्टमर तो अभी विलिंग नहीं है रेस्टोरेंट्स में आने को, तो अभी तक रेस्टोरेंट्स खाली पड़े हैं। तो जब से गवर्नमेंट ने ये खोला है कोई रेस्टोरेंट में कस्टमर नहीं है। जहाँ तक होटल में रूम्स की बात है तो उसकी भी SOPs हैं। उसमें जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं उसमें यह है कि जो कस्टमर आएगा वो उससे कोई रूम में मिलने नहीं आएगा। चेक इन की SOPs हैं कि आपने उनको क्विक चेक इन कर देना है, बिना कॉन्टैक्टलेस चेक इन होगा। और जो रूम में जो आदमी जो हमारे सर्विस स्टाफ हैं वो जाएंगे तो वो PPE किट्स पहन के जाएंगे, जिससे कि हमारा जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है इसमें। पर हमें अभी तक इसमें कोई फिजिबिलिटी लग नहीं रही और अभी तक कोई ऐसी कस्टमर्स की डिमांड भी नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनका तो अभी आना अलाउड नहीं है स्टेट में। तो विद इन स्टेट से कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आता है तो वही आके होटल में ठहर सकता है। पर अभी होटल में कोई इस टाइप की डिमांड हमारे को नहीं दिख रही है। पर हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी है कि इनको इक्विप कर दिया पूरी तरह से, तो अगर कोई कस्टमर आएगा तो हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। पर अभी कोई कस्टमर्स एज सच आ नहीं रहे हैं। देखिए, मुश्किल तो है ही है, इसको अडॉप्ट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बार बार सैनिटाइजेशन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और ग्लव्स यूज़ करने हैं। तो इसमें कॉस्टिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, जो पर डे की कॉस्टिंग है वो 400-500 रुपये कॉस्टिंग इसकी आ रही है। और अगर कोई कस्टमर रूम्स में आता है तो PPE किट्स पहननी है, तो PPE किट एक बार यूज़ होती है, 350 के आसपास PPE किट आती है, तो उसके बाद वो सेकेंड टाइम यूज़ नहीं होती। तो इससे जो कॉस्टिंग है वो तो इंक्रीज़ हो ही रही है और काम करने में भी इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। इसके मतलब उसको चलाना है तो वो बहुत अच्छी बात है और हम पूरा इसका सपोर्ट करेंगे, बट हमारे को इसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। अगर जो हम PPE किट लेते हैं या फिर कुछ भी है जो भी है, उससे हमारी जो कॉस्टिंग है जो वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो उससे हमारे को ये दिक्कत आती है कि हम उसको फॉलो तो कर सकते हैं पर पूरे अच्छे ढंग से नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वो जो किट है वो किट एक दिन में ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारे को फिर दोबारा वो नई किट लेनी पड़ती है। तो उसकी एक लगा लो 350 की कॉस्ट है, तो मेरे पास 5 से 6 एम्प्लॉय हैं तो उनको मेरे को रेगुलर वो ही देना पड़ेगा। तो उससे हमारे को कॉस्टिंग बढ़ रही है उससे, और हमारे जो रेट्स हैं जो अभी हमने रखे हुए हैं वो है नॉर्मल, और हमारी सेल है जो वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो अभी हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो फंड्स हैं वो ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो आगे मतलब ये PPE किट वाला प्रॉब्लम आगे हमारे को ही फेस करनी पड़ेगी।